पहाड़ सर्किल के डीजी होटल में अमित शाह ठहरे हैं। आपको बता दें कि शाह से मिलने के लिए सुबह से ही नेता पहुंच रहे हैं होटल। थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय ये शाह जा सकते हैं, सेवा भारती भवन भी शाह जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर के दौरे पर अमित शाह है और थोड़ी ही देर में देखिए बीजेपी मुख्यालय अमित शाह जा सकते हैं, सेवा भारती भवन भी अमित शाह जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और शाह से मिलने के लिए जो देखिए होटल में लगातार जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। जवाहर सर्किल के निजी होटल में शाह ठहरे हुए हैं और नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये जो मुलाकात है, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय शाह जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेवा भारती भवन भी अमित शाह जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन देखिए कल रात से ही 6:30 घंटे की पहले तो बैठक चली है और होटल में लगातार मुलाकात का दौर भी जारी है। क्या जानकारी अभी मिल पा रही है और थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय भी अमित शाह पहुंचेंगे? देखिए आयुषी, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं होटल ललित के अंदर और यहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर ठहरे हुए हैं। जो बीजेपी के जो राजस्थान बीजेपी के जो नेता हैं उनसे लगातार कल देर रात बताया जा रहा है कि 2 बजे तक बैठकों का दौर चला। जो कोर कमेटी के जो लीडर्स हैं उनसे 1-to-1 यहां पर अमित शाह ने जेपी नड्डा ने संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी जो रैलियां हैं, जो जनसभा है, उनकी तैयारियों को लेकर चर्चाएं यहां पर की। विधानसभा जो चुनाव हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यहां पर काफी डिस्कशन किया गया। इस दौरान देखने को मिला कि जो अमित शाह कुछ मामलों को लेकर जो बीजेपी के जो जो लीडर्स हैं उनको लेकर नाराजगी भी जाहिर की। कुल मिलाकर अभी जो अमित शाह और जेपी नड्डा का जो प्रोग्राम है वो ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अमित शाह और जो जेपी नड्डा हैं वो बीजेपी जो प्रदेश मुख्यालय यहां पर जा सकते हैं, सेवा भारती भवन है, वहां पर भी जो संघ से जो जुड़े हुए जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात का जो कार्यक्रम है 1-to-1 यहां पर संवाद किया जाएगा। और साथ ही साथ में कल देर रात हमने देखा जो यहां पर बीएल संतोष थे वो यहां पर थे। तो आज फिर से कह सकते हैं कि जो दूसरे दिन भी जो बैठकें हैं, जो चर्चा जो है, संवाद का जो कार्यक्रम है वो लगातार यहां पर जारी रहने वाला है। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, आप यहां पर देख सकते हैं अमित शाह का जो कारगेट है वो लग चुका है। जेपी नड्डा का भी यहां पर जो कारगेट आप देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद में यहां से जो दोनों लीडर्स हैं वो कह सकते हैं कि बीजेपी जो प्रदेश मुख्यालय और जो सेवा भारती भवन है यहां के लिए निकल सकते हैं। कुल मिलाकर अब जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं और अभी हमने यहां पर देखने को मिला कि यहां पर जो बीजेपी की जो लोकल जो लीडर्स हैं वो भी यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर सुबह से यहां पर पहुंचना शुरू यहां पर हो गए। यहां पर जो चर्चा है, बातचीत की यहां पर कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी कुछ ही देर में यहां से कह सकते हैं कि जो अमित शाह और जो जेपी नड्डा है वो रवाना होंगे। बिल्कुल रोशन, ने कल से भी जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमने देखा कि 6:30 घंटे की लंबी बैठक चली है और यहां पर रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले दिनों में कैसे चुनाव में उतरा जाए। इस वजह से जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे, क्या यहां पर जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे रोशन? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल राजस्थान जो विधानसभा के चुनाव के ऊपर तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी निगाहें टिकी हुई है। कैसे राजस्थान में एक बार फिर से जो बीजेपी का जो परचम है वो फहराया जाए, इसी मूल मंत्र के साथ तमाम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तमाम लीडर्स यहां पर एक के बाद में एक जो बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। यहां पर तमाम जो लीडर्स हैं इनका कह सकते हैं कि एक के बाद में एक जो दौरे देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी किस तरीके से यहां पर अच्छा परफॉर्म ही नहीं करे बल्कि साथ ही साथ में अपनी यहां पर सरकार बनाए, इसके ऊपर फोकस है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर कल देर रात अमित शाह आए, जो जेपी नड्डा यहां पर आए, तमाम बीएल संतोष हो, यहां के जो लोकल लीडर्स हो, वसुंधरा राजे से लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बिल्कुल रोशन, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, बैठकों का जो दौर चल रहा है वो भी दिखा रहे हैं और तमाम बड़ी अपडेट भी दे रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोटा से